ये क्या पहन लिया डिडू? पापा कहाँ है जीजी? जीजी पापा पापा अब नहीं हंसेगा पापा। ये लुढ़क गया फिर से। हेलो, राम राम जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं आ गई हूँ किचन में। उठ के डुडू नीचे चला गया मीनू के साथ। और मैंने देखो यहाँ पे ना, बैक कैमरे से दिखाती हूँ, प्याज कट कर लिए हैं और ये दो टमाटर ले लिए हैं। पता नहीं क्या लगा हुआ है, दो टमाटर प्याज और यहाँ पे रख दिया है तेल गरम करने, और वहाँ पे वो चावल रखे हैं उबले हुए। तो अभी मैं बना रही हूँ समर्थ के लिए टिफ़िन पैक करना है समर्थ का। समर्थ स्कूल जाने लग गया है ना, और आज उसका हिंदी का पेपर भी है, तो चावल वो खुश होके खा लेता है। तेल आ गया इसलिए मैंने ना प्याज डाल दिए। तो बस प्याज टमाटर और उसके मैं मिर्च नहीं डालूँगी, वो छोके ना वो टिफिन में डाल दूँगी, क्योंकि ना बोलता रहता मैं एक चावल लेके जाऊँगा, चावल लेके जाऊँगा, चावल लेके जाऊँगा। तो मैं क्या, चलो उसके चावल ही छोक देती हूँ उधर। तो बस, और फिर समर्थ को करूँगी रेडी स्कूल के लिए, उसके बाद देखती हूँ फिर चाय बनाऊँगी। कल कोई ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने शादी वाला ही डाल दिया था। कल ही ऐसा हुआ है कि मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, जैसे मतलब ब्लॉग स्टार्ट किए हैं, वरना मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ। कहीं कल ना बहुत बहुत ज़्यादा थकान, मेरे गले से भी पता लग रहा हुआ आप लोगों को कि गला अजीब सा हो रखा है। और मेरे ये चीज़ ना अब भी मेरे से फ़ोन नहीं उठ रहा, बहुत दुख रहा है। वो बोलते ना शादी की थकान ऐसे ही थोड़ी चली जाएगी। तो आज इससे पहले तो मैं एक ब्लॉग कर दूँगी, वो पग फेरे वाला अपलोड कर दूँगी, डाल दूँगी मतलब, उसके बाद शाम तक इसको डाल दूँगी। क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना पहले की तरह ही हो जाऊँ, मतलब कल कल का ही नहीं डाला, वरना डेली ब्लॉग डालती हूँ मैं डेली का ही। तो अभी भी डेली ही आएंगे। तो मैं समर्थ के लिए चावल बना लेती हूँ अभी, है ना। तो प्याज और मैं टमाटर कट कर देती हूँ। मेरा स्टैंड फिर से तोड़ दिया बच्चों ने। तो ये देखो यहाँ पे मैंने प्याज पका लिए पहले, फिर उसके बाद टमाटर डाल दिए थे, मिर्च नहीं डाली, बस हल्दी और नमक डाल के। और इसको अच्छे से कर लिया है मैश टमाटर को, कटे हुए जो टमाटर थे। ये मम्मी की कढ़ाई है, बहुत पुरानी कढ़ाई है, और बिल्कुल पीस लिया अच्छे से। और अब इसमें हम डाल देंगे यहाँ से चावल। तो वो मैं चावल डाल लेती हूँ, बस कुछ नहीं करना। अब जो ये बॉइल्ड चावल है ना, इनको मैं उबाल लूँगी, ना सॉरी उबाल लूँगी बोल रही, इनको डाल के ना अच्छे से मिला दूँगी। और बस हो गए समर्थ का टिफ़न पैक, दही के साथ दे दूँगी उसको। बच्चे ना खुश होकर खाते हैं, मतलब समर्थ तो बहुत खुश होकर खाता है ऐसे। प्याज मैंने थोड़े ज़्यादा ही डाले थे, 3 से 4, और 2 मोटे मोटे टमाटर थे वो। तो समर्थ का टिफ़िन तो हो गया है रेडी। समर्थ को भेज दिया स्कूल, और अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो पापा ने बोला है आलू की चटनी बनाओ, पापा ने पता नहीं मम्मी ने, तो मेरे ने बोला आलू की चटनी बना लो। और सब्ज़ी वाले भैया आ गए इधर नीचे, तो मैं सब्ज़ी ले रही थी, दिखाती हूँ भैया आपको। तो इन भैया के पास सब्ज़ी तो मैंने ले ली, अदरक रह गई थी, अदरक ले रही हूँ मैं। मैंने ले ली थी सब्ज़ी, मिली है हमने चुकनी आज,
जो मतलब कल बनाऊंगी या शाम के टाइम में बनाऊंगी, और अभी आलू की चटनी बनाई थी मैंने, खा लिया। डुडू यहाँ पे मेरी गोद में दूध पी रहा है, इधर मीनू खा रही है बेचारी, देखो चार तो मैंने धरी थी, चार और ले लिए ना। हाँ तो बैठ के खा रही है, बस ये खा के ना ये समर्थ को ले आएगी स्कूल से, मीनू ही छोड़ के आती है और मीनू ही लेके आती है स्कूल से समर्थ को। तो आज उसका हिंदी का पेपर था, ऐसे तो करा दी थी उसकी तैयारी, तो बस वो आ जाए फिर, वो तो मुश्किल ही खाएगा क्योंकि लंच कर लिया ना उसने, चावल बना के दे दिए थे मैंने उसके सुबह, आप लोगों को दिखाया था। और अभी बस एक बार इसको और सुला दूँ, खाना हो गया, हस्बैंड खा के चले गए थे चाय पराठे, उनको थोड़ा जुकाम हो रहा था तो बोले चाय बना दे और चाय के साथ ही खा लूँ आप पराठे, तो चाय पराठे खा ली थी। हमने बना ली थी चटनी क्योंकि मम्मी पापा बोल रहे थे चटनी बना लो, और आलू की चटनी बना ली मम्मी ने, आलू का रायता बना दिया, आटा लगा हुआ है हाथ पे भी। तो बस खाना खाया है अभी, और देखते हैं क्या करते हैं पूरे दिन में अभी और।